आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 1 मिनट साड़ी कम लहंगा साड़ी का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड तिखी इमली और ये एक पार्टी वेयर साड़ी है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रिव्यू वीडियो। कुछ दिनों पहले जो मिंत्रा पे EORS सिलाई थी उसमें मैंने एक साड़ी परचेज की थी एंड वो साड़ी है ब्रांड तिखी इमली से। एंड वो साड़ी जब मैंने पिक में देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो यस, इस साड़ी का आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वो साड़ी है ये देख सकते हैं कितना बड़ा वॉल्यूम है। तो वीडियो में ये आपको कलर थोड़ा सा ब्राइट लगेगा, आई मीन रेड लगेगा, लेकिन इसका एक्चुअल कलर है मरून। ये मरून कलर की साड़ी है और ये 1 मिनट साड़ी है। तो जिन लड़कियों को भी साड़ी ड्रेप करना नहीं आता उनके लिए इसको पहनना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इस साड़ी का मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करना चाहती थी, बट इतना कंट्रोल मैं नहीं कर सकती थी इसलिए मैंने इसे पहले ही खोल के देख लिया। लेकिन जब मैंने इसे ओपन करके देखा तो ये देख सकते हैं आप, ये जो इसके सारे हुक्स हैं इस तरह से, ये देखिए, मुझे एकदम टूटे हुए मिले थे। इस साड़ी के ज़्यादातर हुक टूटे हुए थे, तो ये वाले तो सही है लेकिन ये वाला टूटा हुआ। और जो आगे के जो ये हुक्स होते हैं जिसमें हम टक करते हैं, जिसे हम टक करते हैं, वो ये देखिए अंदर की तरफ है वो, और ये देखिए ये हुक भी एकदम ढीले ढाले पड़े हैं, जो डालते ही वो गिर जाएंगे इस तरह से। तो आई डोंट नो, ये साड़ी शायद किसी और के पास होगी। ये देखिए आप, ये यहाँ से टूटा भी हुआ है इसका। तो आई थिंक ये साड़ी किसी और के पास भी पहले गई होगी और उन्होंने डायरेक्ट ऐसे दे दी है। तो ये मुझे फिनिशिंग वाइज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। तो हम इसको कैसे ड्रिप करेंगे, ये हम साड़ी को ऐसे लेंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से टक इन करेंगे यहाँ से। ये तो टूटा हुआ है, जहाँ पे भी आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सारे हुक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ पे टक कर सकते हैं। जो भी आपकी मेज़रमेंट है अपनी वेस्ट के हिसाब से आप उसमें टक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आती है साड़ी, ये देखिए। तो ये जो ऊपर की तरफ जो प्रिंट है वो इस तरह का है, ये फुल प्रिंट तो नहीं लेकिन ये गोल्डन कलर का इस तरह का प्रिंट दिया गया है, ये देखिए। और नीचे से बाकी नीचे से जो पूरी साड़ी प्लेन है लेकिन नीचे से मैश डिज़ाइनिंग में जो है ये फ्लेयर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयरी है ये साड़ी नीचे से। तो फुली लगती है और काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। और इस तरह से ये इसमें रफल्स डिज़ाइनिंग भी है, नीचे सारा मैश का काम है। और ये कितने लेयर में, ये 2 लेयर दी गई है इस तरह से मैश की पूरी साड़ी में। अगर हम इसके पल्लू की बात करें तो ये इस तरह का पल्लू है, देखिए यहाँ से अटैच किया गया है एंड ये इस तरह का पल्लू है, ये देखिए। और तो ये पल्लू इस तरह से है, देख सकते हैं आप। अब ये देखते ही देखते इसकी जो थोड़ी सी प्लीट्स है वो निकल गई है, फिनिशिंग की मुझे कमी लगी है साड़ी में। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह का ये पल्लू है। ये जो वायर जो इसमें दी जाती है जिसके कारण ये रफल्स अच्छे से बने हुए हैं, वो भी ये यहाँ से निकली हुई है। तो ये मुझे बहुत ही बुरी कंडीशन में मिली आई थिंक। तो इस साड़ी के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये साड़ी मैं रखूँ, एक्सचेंज करवाऊँ या फिर क्या करूँ। कोई सिलाई विलाई नहीं की गई इसमें, सीधा कट किया गया और इस तरह से ये। तो ये इस तरह की साड़ी है और ये फैब्रिक इस तरह का ट्रांजी है एंड शाइनिंग है इस फैब्रिक में। इस साड़ी में पीछे की तरफ इस तरह की लाइनिंग दी गई है जो बिल्कुल नीचे तक आती है। आई थिंक ये पॉलिएस्टर है, बिल्कुल भी हार्श नहीं है, चुभने वाला नहीं है, तो ये आपकी स्किन पर बिल्कुल भी इरिटेट नहीं करेगा। तो इस तरह की लाइनिंग पूरी साड़ी में दी गई है, इस साड़ी के पूरे ही घेर में ये लाइनिंग दी गई है। तो इसमें आपको कोई पेटीकोट वगैरह भी पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह का ब्लाउज पीस इसमें अटैच भी किया गया है, ये देख सकते हैं। ये इस तरह का फैब्रिक है एक एंड दूसरा फैब्रिक है ये, तो इसमें इस तरह का ब्लाउज के लिए फैब्रिक मिल जाएगा आपको। अनस्टिच्ड है ये, तो आप इसे सिलवा सकते हैं जैसे भी आप चाहें। तो ये थी साड़ी और ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा फ्लेयरी साड़ी है ये नीचे से, क्योंकि इन हुक्स पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। तो आप इसे अच्छे से टक करके जाइएगा, आप हो सके तो आप इसे अच्छे से पिनअप कर सकते हैं जिससे ये साड़ी एकदम सिक्योर हो जाएगी। तो यस, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको पहनते वक्त। तो फ़ायदा ये है कि
एक मिनट में आप इसे पहनकर तैयार हो सकते हैं। और ये साड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी आपको, पिक्स में आप देखेंगे, वीडियो में आप देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, काफ़ी ज़्यादा यू नो फ्लेयर है इस साड़ी में नीचे की तरफ, तो एकदम लहंगे की तरह लगती है। अगर आप इस साड़ी के नीचे कैन कैन वाली स्कर्ट पहन लेंगे तो प्रॉपर एकदम ये लहंगा ही लगेगी। तो ये साड़ी दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छी है, बस इसकी फिनिशिंग की अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो ये साड़ी पहनी हुई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, एकदम प्रॉपर पार्टी वेयर ड्रेस है ये। वन मिनट साड़ी वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि साड़ी को बांधना ये पूरा झंझट मुझसे तो होता ही नहीं, ना ही मुझे अच्छे से साड़ी ड्रेप करनी आती है। तो उन लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट है साड़ी, जिनको साड़ी ड्रेप करना नहीं आता है, तो वो इस तरह की साड़ी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो ये साड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया, ये साड़ी मैंने मिंत्रा की EOS सेल से परचेज की थी, तो उसमें मुझे वैसे ही कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट मिल गया था, एंड साथ ही में मुझे मिल गया था बैंक डिस्काउंट। उसके बाद तो इसका जो प्राइस है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही पड़ा था, आई थिंक मुझे 750 या फिर 1800 में ये साड़ी मुझे मिल गई थी। और हमेशा ये साड़ी आपको मिलेगी 2300 रुपये में, 2300 रुपीज़ में, तो ज़्यादातर ये साड़ी आपको इसी प्राइस में देखने को मिलेगी मिंत्रा की साइट पर। तो अगर आपके घर में फंक्शन में थोड़ा टाइम है तो आप इसे यू नो किसी सेल में परचेज कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको अच्छे खासे डिस्काउंट पे मिल जाती है। तो ये साड़ी एकदम परफेक्ट है फॉर पार्टी फंक्शंस, एंड अगर आपके घर में कोई रिसेप्शन पार्टी है या फिर कोई आप अच्छे से डिनर पर जा रहे हैं तो उस टाइम पर आप इस साड़ी को पहन सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने वाले हैं। एंड ये ब्रांड तिखी इमली से है, तो इससे पहले मैंने किसी वीडियो में एक और जो है तिखी इमली की जो साड़ी है मैंने आपके साथ ज़रूर शेयर की है, आई नो यस, वो ब्लैक कलर की थी और पूरी साड़ी प्रिंटेड थी, और वो भी साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मुझे, एंड उसका फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें मैंने और भी साड़ियों का जो रिव्यू आपके साथ शेयर किया है तो आप वो ज़रूर देखिएगा। तो ये साड़ी भी मुझे अच्छी लगी है, बट क्योंकि ये बहुत ही बुरी कंडीशन में मुझे मिली है तो इस वजह से मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं आई, तो बाकी लुक वाइज एकदम परफेक्ट है। फैब्रिक की अगर हम बात करें तो फैब्रिक भी अच्छा है, इसमें जो मैश लिया गया है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, आपको बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। तो 1800 रुपये तो ये साड़ी बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बहुत अच्छा लुक आता है निकल के इस साड़ी को अगर हम पहनेंगे तो। तो मुझे तो ये साड़ी अच्छी लगी, बस अगर ये सही कंडीशन में होती तो मैं साड़ी को रख भी लेती, लेकिन अभी मुझे थोड़ी कन्फ्यूज़न है तो मैं ये रखूँगी कि नहीं, आई डोंट नो, आप मुझे ज़रूर हेल्प कीजिएगा इस चीज़ में। मेरे हिसाब से तो अगर आपके घर में कोई पार्टी या फंक्शन है और आप एक अफोर्डेबल रेंज की कोई ड्रेस लेना चाहते हैं और जो अच्छी भी लगे तो आप इस साड़ी को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको ये साड़ी अच्छी कंडीशन में रिसीव नहीं होती है तो आप इसे रिटर्न कर सकते हैं, मिंत्रा की रिटर्न पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो कोई भी चीज़ अगर वहाँ पर पसंद नहीं आती तो आप 30 डेज में उसको रिटर्न कर सकते हैं, या फिर एक्सचेंज करना चाहते हैं एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको ये पसंद आई हो। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है कि मैं इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं, और मेरे चैनल को भी ग्रो होने में काफ़ी ज़्यादा इससे हेल्प मिलती है। आप कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको ये साड़ी कैसी लगी और कैसी नहीं। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन एवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। Doesn't matter what the future brings, I'm gonna live a crazy dream.